हमीरपुर लोकसभा चुनावों में सेवानिवृत्त कर्नल बीसी लगवाल ने भी अपनी दावेदारी का ऐलान कर दिया है। हमीरपुर सीट पर कांग्रेसियों द्वारा लोकसभा चुनावों में टिकट के लिए आवेदन करने के बाद तलख तेवर भी दिखने लगे हैं। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता में लोकसभा टिकट के लिए आवेदन कर लौटे शौर्य चक्र विजेता कर्नल विधि चंद लगवाल ने यह ऐलान किया है कि जिन कांग्रेसियों ने लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए 50,000 शुल्क देकर आवेदन किया है, यदि उनमें से किसी को टिकट न देकर आवेदन न करने वालों में से किसी को टिकट दिया तो आवेदन शुल्क व्याज सहित वापस लिया जाएगा। पत्रकार वार्ता में बीसी लगवाल ने कहा कि हिमाचल वीर भूमि फौजियों की बदौलत ही कहलाई जाती है। प्रदेश में सबसे ज्यादा सैनिक व भूतपूर्व सैनिक हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हैं। यही वजह है कि एक फौजी ही इस सीट को प्रदेश कांग्रेस को जीत दिला सकता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी एक पूर्व सैनिक ने हमीरपुर की सीट कांग्रेस के लिए जीती थी। उन्होंने कहा कि देश सेवा के बाद अब समाज सेवा करने के चलते ही टिकट के लिए आवेदन किया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पूर्व सैनिक बहुत हैं, जिनमें भी डोगरा रेजिमेंट के सैनिक अधिक हैं। उन्होंने कहा कि वह 35 साल फौज में रहे वो शौर्य चक्र का सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान अगर पूर्व सैनिक को टिकट देती है तो हमीरपुर संसदीय सीट भाजपा से छीनी जा सकती है। कर्नल लगवाल ने कहा कि टिकट का आवेदन कर उन्होंने अपनी दावेदारी तय कर दी है। अब पार्टी हाईकमान को टिकट का फैसला करना है कि वे टिकट किसको देते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान जिसे भी टिकट देगी वो चुनावों में उसके साथ जीत के लिए काम करेंगे। आज मैंने हमीरपुर हमीर होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुद्दा था कि जल्दी ही लोकसभा के चुनाव घोषित होने वाले और हिमाचल प्रदेश एक एक्सर्विसमैन स्टेट है जिसको वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है और हमीरपुर पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी जिसमें हमीरपुर जिला ऊना बिलासपुर और देरा सब डिवीज़न और साथ में धर्मपुर कंस्टिट्यूंसी ये एक्सर्विसमैन डोमिनेटेड एरिया है। 90% लोग जो हैं वो एक्सर्विसमैन या एक्सर्विसमैन से संबंधित हैं। मैंने 35 साल की नौकरी में दो यूनिट में सेवा दी है, 2 डोगरा और 7 डोगरा, दोनों यूनिट का मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ और एज ए सी ओ 2 डोगरा मुझे भारत सरकार ने शौर्य चक्र से नवाजा है। डोगरा रेजिमेंट वो रेजिमेंट है जिसके 75% लोग हिमाचल से होते हैं और 25% जवान जो हैं वो जे एंड के और पंजाब से होते हैं और ये 75% जो डोगरा रेजिमेंट के एक्स सर्विसमैन हैं, ये 90% लोग जो है वो हमीरपुर पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी के क्षेत्र में ही आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर फौजी की आवाज़ उठानी है, उनकी वेलफेयर को देखना है, तो मेरे से अच्छा और कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सीट 96 में भी एक फौजी ने जीती थी। 96 से लेके आज तक ये सीट जो है वो बीजेपी के पास है। अगर मुझे टिकट मिलता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक फौजी एकता, सब फौजी इकट्ठे होके हमें वोट देंगे और बड़े अच्छे माध्यम से इस सीट को हम जीत सकते हैं। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, बड़ी पुरानी पार्टी है। मैंने कल ही अपना नाम रजिस्टर कराया है शिमला जाकर राजीव भवन में। 7-8 नाम है जिन्होंने अभी तक निवेदन दिया है। टिकट तो किसी को एक को ही मिलना है। उसके बाद में राजा वीरभद्र हमारे कुछ दिन से बीमार चल रहे थे, उनका हाल चाल लेने हम हॉली लॉज पहुँचे और तकरीबन 2 घंटे हमने राजा साहब के साथ वार्तालाप किया कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी मुझ पर भरोसा करेगी और अगर मुझ पर भरोसा किया, मुझे टिकट दिया, तो यकीनन ये सीट जो है वो कांग्रेस की झोली में जाएगी और राहुल जो है वो हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे।